नमस्कार। आज हम बताते हैं आपको बादाम को कैसे छीलना चाहिए और क्यों छीलना चाहिए। पहला स्टेप, पानी को गर्म करते हैं। जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाए तो उसके अंदर डालते हैं हम कुछ बादाम और उसको एक मिनट के लिए रहने दीजिए। बादाम को छीलना इसलिए चाहिए, ये जो ब्राउन स्किन आप देख रहे हैं ये हजम नहीं होती है। हम आपको दिखाएंगे, जैसे ये स्किन निकलती है तो इसको तोड़ने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो जो पेट की जो अग्नि है वो इस बादाम के छिलके को हजम नहीं कर पाती है, और ये है थोड़ा टॉक्सिक पदार्थ बादाम का, जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें अपने अच्छे डाइजेशन के लिए सिर्फ बादाम की गिरी को, जो वाइट वाला पार्ट है, उसको खाना चाहिए। अब जो लोग वजन कम करने के लिए जिनकी कोशिश है वो खाएं बादाम की गिरी सूखी गिरी, और अगर किसी को वजन बढ़ाना है तो उसको पानी के अंदर रातों रात डालकर उसको फिर सुबह को छिलका उतार के खाइए। अब ये देखिए, ये आपका बादाम पानी के अंदर हो चुका है। अभी ये इतना आसानी से आप एक बादाम को लीजिए और सिर्फ इसको प्रेस कीजिए, देखो कितने आराम से निकल आता है। अब ये जो बादाम, ये जो छिलका है, ये देखिए छिलका है, ये टूटने में बड़ी मुश्किल है, तो इसको हजम नहीं कर हो पाता है ये। तो आप इसको निकालिए और सिर्फ वाइट वाले पार्ट को खाइए इस तरह से, सिर्फ प्रेस करना है इसको। देखो जो पतली वाली साइड है, जो इधर वाली साइड है, इसको बस प्रेस कीजिए और कितने आराम से फटाफट निकलता है। आलस में मत कीजिए, वाइट वाले पार्ट को खाइए और अपनी सेहत बनाइए। नमस्कार।